तो गाइज अभी हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और सबसे पहले हम रक्सौल बॉर्डर से नेपाल एंटर कर रहे हैं, और नेपाल से जो काठमांडू की ट्रिप है वो हम बाई रोड जो है कवर कर रहे हैं कार से, और चलिए तो इस ट्रिप की शुरुआत करें। तो गाइज हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है और सिर्फ 4-5 घंटे में ही हम काठमांडू शहर पहुंच जाएंगे और फिर हम करेंगे पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन। तो गाइज फाइनली हम काठमांडू एंटर कर चुके हैं और चलिए अब सीधा चलते हैं पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन। है पशुपतिनाथ मंदिर में, और सारे तीर्थ स्थल का इसको हेड माना जाता है, मतलब भगवान शिव का सर माना जाता है, और ये जो मंदिर है इसमें मतलब पशुपतिनाथ मतलब पशुओं के रक्षक महादेव जी, इसीलिए इस मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ। तो अभी हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर, आप देख ही सकते हैं कि हमारे साथ कितने सारे और टूरिस्ट भी आए हुए हैं, और ये मंदिर के खास दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से नेपाल आते हैं, जैसे हम भी आए हैं, और तो चलते हैं और पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन करते हैं। ये है मंदिर का एंट्रेंस, और अभी एंटर करते हैं मंदिर के, और ये देखिए मंदिर के आसपास कितनी सारी यहाँ पर शॉप्स है जहाँ पर आपको रुद्राक्ष शिवलिंग ये सब देखने को मिल जाएगा, और ब्रेसलेट्स भी एक और बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर, ये देखिए के अंदर आते ही हमको इतने सारे कबूतर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये देखिए कितने सारे भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम इतने कबूतर देख रहा हूँ। वाओ वो पेड़ देखिए गाइस, तो गाइस अभी हम इस द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ का आप देखिए वाइब्स कितनी अच्छी और कितना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और हमारे साथ यहाँ पर हजारों टूरिस्ट अभी भगवान जी के दर्शन करने अंदर जा रहे हैं। मंदिर में हम एंटर कर चुके हैं पर अंदर फोटो या वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो जस्ट हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी से मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि भगवान जी जैसा हमारा ख्याल रखते हैं वैसे ही दुनिया के समस्त पशु और पक्षियों का भगवान जी वैसा ही ख्याल रखे। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उन पशुओं को सेव करें और उनको खाना दे पानी दे, और हाँ हम उनको बिल्कुल भी तंग ना करें। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और जस्ट जब हम लोग गए थे तो कपाट बंद हो गए थे, लेकिन फिर हमने आधा घंटा वहाँ पर वेट किया और जो दूसरे वहाँ पर भगवान जी उनके दर्शन किए, फिर 2:30 को कपाट खुला 5 मिनट्स के लिए। तो अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, और एक चीज़ था कि वीडियो और फोटो शूट करना अलाउड नहीं था, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि वीडियो एंड फोटो मत शूट कीजिए। और ये जो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और हम बहुत लकी थे कि हमारे लिए कपाट खुला, और अभी भी काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं कपाट के खुलने का और भगवान जी के दर्शन पाने का।